नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। साल 2024 में होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है और जिसके चलते राजधानी देहरादून के सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई। और इस बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए ज्यादा पर्यटकों के आने की अपेक्षा की जा रही है और जिसे लेकर सभी अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का अभाव है, जिसे देखते हुए शौचालयों में फ्लोर हीटिंग की सुविधा दी जाए ताकि शौचालय साफ रह सके। और साथ ही सड़कों के चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसके साथ बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि चारों धामों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने पर क्या चुनौतियां आ सकती हैं और इसे लेकर बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कितना सुधार होने की गुंजाइश है और किस तरह कार्यरूप दिया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई है। इधर हल्द्वानी में कांग्रेस के स्वराज आश्रम में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक हुई। नैनीताल लोकसभा के लिए चुनाव समन्वयक बनाए गए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने जिला अध्यक्ष सहित सभी ब्लॉक अध्यक्षों, महानगर अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी की बैठक की और इस दौरान पदाधिकारी ने पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी अपनी राय लोकसभा समन्वयक के समक्ष रखी। इस दौरान कई पदाधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने सुझाव रखे। लोकसभा समन्वयक का गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तन्मयता से तैयारी में जुट गई है और चुनाव तक होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार कर लिया जाएगा। साथ ही घर घर जाकर केंद्र को राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर कर आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत का परचम लहराया जाएगा। जी, ये कविता की लाइन गढ़वाली में कि धार पूजा चा गाढ़ पूजा, धार पूजा चा गाढ़ पूजा, खाड कचा चा देवता नचा, धार पूजा चा गाढ़ पूजा, खाड कचा चा देवता नचा, भलुबुरु खेल कन भी रचा पर पौड़ी बचा, पौड़ी बचा, पौड़ी बचा, पौड़ी बचा। और आज इस महासम्मेलन की जो शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से की है, इसमें तमाम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कोई भी संगठन हो, एक मंच, साझा मंच के तहत यहाँ पे एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया और पौड़ी की विभिन्न समस्याओं से जो पौड़ी के नागरिक जूझ रहे हैं उनके निस्तारण के लिए हमने एक अलग जगाने की कोशिश की है। सवाल पौड़ी से पलायन का नहीं है, पलायन एक प्रक्रिया है, वो पूरे देश भर में है, ऐसा नहीं है कि यहीं हो, लोग जा रहे हैं तो लोग आ भी रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जिस जगह पे लोग आ रहे हैं उनको जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो उनके मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो सुविधाएं मिल भी पा रही कि नहीं मिल पा रही हैं। पौड़ी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उनका भी अभाव हो रहा है, उनका टोटा होता जा रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि पौड़ी जो आंदोलन की नगरी रही है, 30 साल बाद किसी नगर के मुद्दे को लेकर पहली बार लोग एकत्रित हो रहे हैं। इधर पौड़ी शहर की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर शहर के रामलीला मैदान में महाजन सभा का आयोजन किया गया और ये महाजन सभा शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित की गई। स्थानीय व्यक्ति गणेश कुक्षाल ने बताया कि पौड़ी शहर से लोगों ने लगातार अपनी सुविधाओं के चलते पलायन किया है और लेकिन शहर के अन्य लोग पलायन करें, ऐसे में सरकार को यहाँ के लोगों के लिए बेहतर सड़क और पर्यटन की सुविधा मुहैया करवानी चाहिए। उत्तराखंड बनने के बाद पौड़ी एकमात्र शहर है जिसे पर्यटन नगरी का दर्जा दिया गया, लेकिन पर्यटन के रूप में इसे स्थापित करने में सरकारी कामयाब नहीं रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक यहाँ पर बेहतर सड़कें, होटल और पर्यटकों की आवाजाही नहीं होगी, तब तक इस शहर में स्थानीय व्यापार नहीं चल पाएगा, जो कि यहां की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।
इधर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए दिशा में प्रयास किया जा रहा है और इसी क्रम में जल्द ही अस्पताल में रियल टाइम स्क्रीन को लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अक्सर इमरजेंसी में बेड की स्थिति को लेकर मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसी समस्या को दूर करने और इसे लेकर पारदर्शिता आए लोगों के मध्य में उसके लिए हम रियल टाइम स्क्रीन लगाने जा रहे हैं, जिससे इमरजेंसी और आईसीयू में बेड की रियल टाइम संख्या का पता चल सकेगा। कि बिल्कुल हमारे प्रशासन में हमारे जो प्रिंसिपल सर भी उनका भी इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि हम लोग एक इस तरह का डिस्प्ले बोर्ड आकस्मिक विभाग में अपने एक तैयार कर लें कि जहाँ पर जो हमारे आईसीयूज हैं और जो इमरजेंसी ब्रांचेज के वार्ड हैं उनकी रियल टाइम में बेड स्थिति पता चलती रहे, तो अति शीघ्र आपको ये सुविधा हम लोग के इमरजेंसी वार्ड में मिल जाएंगी, जिससे मरीज को कोई संशय ना रहे कि आईसीयू में बेड खाली है क्या नहीं। कई बार इसको लेकर बहुत हम लोग को भी बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो वो एक स्थिति बहुत ही साफ सामने रही। राजधानी देहरादून की दो प्रमुख नदियां रिसपना और बिंदाल पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने निरीक्षण किया और इस दौरान पंकज पांडे ने बताया कि प्रमुख दो नदियों पर बनने वाली एलिवेटेड रोड का सर्वे हो चुका है। रिसपना से जो एलिवेटेड रोड बनेगी वो नागल तक जाएगी और इसमें 4-लेन रोड प्रस्तावित है जो कि नदी के अंदर से बनाई जाएगी। साथ ही इसमें 2 एग्जिट भी दिए गए हैं। पहले एग्जिट रायपुर से सर्वे चौक के पास दिया गया है, दूसरा एग्जिट नागल के पास पार्क पर होगा, तो वहीं बिंदाल नदी पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का भी सर्वे हो चुका है और उसके साथ ही पानी के बहाव की जो समस्या है उसके लिए सिंचाई विभाग और आईआईटी कानपुर से इसमें मदद ली जा रही है और उसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में जो भी लैंड या लोगों के घर आएंगे उसका भी सर्वे हो चुका है। वहीं पंकज कुमार पांडे ने यह भी बताया कि यह पूरा प्रोजेक्ट 5,500 करोड़ की लागत से बनेगा, जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर जहां राजधानी में आवागमन की समस्या सुदृढ़ होगी वहीं ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान होगा। इधर उत्तराखंड में सीएम धामी ने मदरसों में राम मंदिर के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अब राम मंदिर उद्घाटन का जश्न मदरसों में भी दिखाई देगा। मदरसे के बच्चों को श्री राम के जीवन की जानकारी दी जाएगी। इसकी जानकारी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने दी है। उन्होंने प्रभु श्री राम को अपना आराध्य बताते हुए मुस्लिम समाज के लोगों से राम मंदिर का स्वागत करने की अपील भी की है। इधर देहरादून में पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते सर्दी जुखाम के मामलों को देखते हुए दून अस्पताल पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है और जिसके चलते अस्पताल प्रशासन द्वारा फ्लू ओपीडी चलाई जा रही है, जहां ठंड की चपेट में आकर बीमार हो रहे मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ठंडी हवा में प्रदूषण ज्यादा देर तक ठहरता है और जिसकी वजह से वृद्ध लोग और छोटे बच्चों में वायरल बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लू ओपीडी में ज्यादा मरीजों का नहीं हो रहा है, लेकिन जिस भी मरीज में फ्लू या कोविड की जांच के आसार दिख रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। हाँ देखिए, ओपीडी कोई हमारी बहुत ज्यादा ऐसे बढ़ी है ऐसी बात नहीं है जो नॉर्मली जाड़ों में जिस तरह की ओपीडी रहती है, लेकिन हाँ जाड़ों में जिस तरह से पोल्यूशन हवा में ठंडी हवा में ज्यादा देर ठहरता है उस कारण से एक तो बड़ी उम्र के लोगों में जिनको पुरानी बीमारियां हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं जिनमें वायरल डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ फ्लू ओपीडी भी चलाई है, तो कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वहाँ दिखा सकता है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा मामले नहीं बढ़े हैं। हाँ लेकिन जो हमारे एक रूटीन में पेशेंट आते हैं उनकी अगर हमें लगता है कि फ्लू की जाँच या कोविड की जाँच करनी चाहिए तो हम कर रहे हैं, तो उसमें एक दो केस इस तरह के पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी लगभग सभी मरीज अपना स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुके हैं। इधर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में सर्दी बढ़ गई है। साल शुरू हुए 18 दिन बीत चुके हैं लेकिन बारिश न होने से लोगों को सूखी ठंड से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि जनवरी माह में बारिश के कोई आसार नहीं है, जिससे नॉर्थ इंडिया के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर और पारा गिरने से लोगों को ठंड का सितम झेलना पड़ेगा।
है। इधर देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते गुलदार की दहशत अब शहरों में भी दिखाई दे रही है। ठंड और कोहरे के मौसम में गुलदार शहर की ओर रुख कर रहे हैं। देहरादून की तो बीते कुछ दिनों में गुलदार के हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं। रविवार को भी देहरादून के कैनाल रोड के पास गुलदार ने एक 12 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया था और जिसके बाद घायल बच्चे का दून हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स ने घायल बच्चे की सफल सर्जरी की है और बच्चा रिकवर हो रहा है। दरअसल गुलदार के हमले में घायल बच्चे को दून अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया था। दून हॉस्पिटल में घायल बच्चे का प्लास्टिक का सर्जन डॉक्टर शिवम डांग ने सफल सर्जरी की है और जिसके बाद दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हमले की वजह से बच्चे के सिर पर कई जगह घाव हो गए थे और बच्चे के सिर के पीछे की स्किन पूरी तरह से गायब हो गई थी, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट सही प्रकार से हो रहा है। बहुत छोटा बच्चा था, वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे गया था, तो वहाँ गुलदार ने, गुलदार पीछे से हमला करते हैं तो उसने उसके सिर को पकड़ा, जिसमें पीछे की जो हमारे स्कैल्प बोलते हैं, जो पीछे के हिस्से के बाल हैं, उसको उतार कर ले गया वो, और साथ में उसकी जांग में भी पंजा मारा होगा उसने, तो अपने 2-3 घाव एक जांग में भी हैं। तो अभी बच्चे की हिम्मत ये है कि बच्चा बिल्कुल सर्वाइव कर रहा है और बच्चा हमारे डॉक्टर शिवम डांग हैं जो प्लास्टिक सर्जन है उनके अंडर केयर में है वो, और उसकी कल एक सर्जरी करी गई है जिसमें जो गंदे टिश्यू हैं उनको काट कर निकाला जाता है और एक जांग से स्किन ग्राफ्टिंग लेकर उसमें वो इस ऊपर स्कैल्प की जगह ग्राफ्टिंग भी की गई है। तो उम्मीद है कि वो 7-8 दिन के अंदर ग्राफ्ट पकड़ लेगा और वहाँ ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और बच्चा बिल्कुल स्टेबल है। थोड़ा दर्द जरूर है लेकिन उसकी दवाई दी जा रही है, बच्चा ठीक ठाक खा पी रहा है। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते कई दिनों से पूरे ऊधम सिंह नगर में लोगों को जीरो विजिबिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जहां घने कोहरे के चलते शाम होते ही रोड्स पर कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है, वहीं लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते कल देर रात रुद्रपुर शहर के बीचों बीच निकलने वाले नेशनल हाईवे पर एक ओवरलोड ट्रक पलट गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, पर सुबह जब लोग सड़कों पर निकले तो किच्छा की ओर जाने वाले मार्ग पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से पहले ही लोगों को सूचित किया जा चुका है कि जरूरी होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकले। क्या है, इसमें रात को 3 बजे के आसपास से एक्सीडेंट हुआ, जो जानकारी मिली है और जो बताया गया है, तो कोहरा रात को ज्यादा हो गया था और रात को 10 बजे के बाद ही कोहरा बहुत ज्यादा पड़ने लगे, इसलिए दिखना रात को बहुत टफ हो रहा था चलना भी। तो ड्राइवर रात को ले आया कोहरे में, दिखा नहीं उसे, शायद वो जो बता रहा है कि कोहरे के कारण, धुंध के कारण उसे दिखा नहीं ढंग से, कहीं डिवाइडर पर लग के गाड़ी पलट गई। काशीपुर से आ रहा था, इधर किच्छा की तरफ जा रहा था। इधर पौड़ी जिले में बीते कुछ दिन पहले हुए चीला सड़क हादसे की जांच पुलिस टीम गहनता से कर रही है और वहीं अब इस हादसे में एक और घायल के उपचार के दौरान एम्स में दम तोड़ दिया, जिससे अब इस हादसे में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है। एएसपी पौड़ी जया बलूरी ने बताया कि ट्रायल के दौरान जो वाहन हादसे का शिकार हुआ उसकी पूरी जानकारी जुटाने के लिए अब वाहन कंपनी को बुलाया जा रहा है, जो ये जानकारी देगी कि वाहन का पंजीकरण और इंश्योरेंस था भी या नहीं। आपको बता दें कि बीते 8 जनवरी को पार्क के चीला रेंज में इंटरसेप्टर वाहन ट्रायल के दौरान दुर्घटना हो गई थी। ट्रायल के लिए वाहन में वन्य जीव प्रतिपालक आलोकी, वन क्षेत्राधिकारी शैलेश घिल्डियाल, उपवन क्षेत्राधिकारी प्रमोद ध्यानी, चिकित्सक राकेश नौटियाल के अलावा कुलराज सिंह, हिमांशु गोसाई, सैफ अली खान, अंकुश अमित सेमवाल व अश्विनी बीजू सवार थे। और इस बड़ी दुर्घटना के बाद पुलिस गहनता से मामले की तफ्तीश कर रही है। देखिए, उसमें अभी विवेचना प्रचलित है, उसमें जो 4 डेथ तो ऑन स्पॉट हुई थी और जो एक महिला अधिकारी थी उनकी 2 दिन बाद बॉडी मिली थी और अभी परसों भी जो एक एडमिट थे उसमें उनकी डेथ हो गई है, तो लगभग 6 इसमें डेथ हो चुकी हैं। और अभी इसमें विवेचना प्रचलित है। जहाँ तक कार की बात है, जहाँ पर जो गाड़ी थी उसके रजिस्ट्रेशन के संबंध में, तो जो संबंधित कंपनी है उनको हमने बुलवाया हुआ है और वो अपने कागजात लेकर आएंगी, इसके बाद विवेचना आगे बढ़ेगी। देखिए, इसमें जो एक्सीडेंट की धारा है उसमें मामला पंजीकृत हुआ है, इसमें अभी 304A और साथ ही साथ 279 में मुकदमा दर्ज हुआ है, विवेचना प्रचलित है।
इधर हरिद्वार में साधु संत अपने अनुयायियों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं। हरिद्वार में कई बड़े संतों के सोशल मीडिया अकाउंट पर तो लाखों की संख्या में फॉलोअर्स जमा हो गए हैं। फिल्म अभिनेता, सेलिब्रिटीज और नेता सोशल मीडिया पर अपने विचार तो साझा करते ही हैं, लेकिन साधु संतों के बीच भी अब सोशल मीडिया का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार के कई बड़े संतों के सोशल मीडिया पर अकाउंट हैं जिसके जरिए साधु संत भक्तों अनुयायियों से जुड़े रहते हैं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदगिरी इस रेस में काफी आगे हैं। स्वामी कैलाश नंद के यूट्यूब अकाउंट पर अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं जिसके चलते हाल ही में उन्हें सिल्वर बटन भी मिला है। स्वामी कैलाशानंद गिरी का कहना है कि वो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले संत हैं, आस्थावान लोग इस तरह के अनुष्ठानों से जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले संतों में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी परमानंद गिरी, स्वामी हरिचेतनानंद और स्वामी रूपेंद्र प्रकाश भी शामिल हैं। साधु संत भी खुलकर सोशल मीडिया के जरिए धर्म का अब प्रचार प्रसार करने लगे हैं। इसमें क्या है कि आज के युग में ये सबसे अच्छी सुविधा है, कम टाइम में हम लोगों तक पहुंच पाते हैं और इस सोशल मीडिया के अंतर्गत लोगों को अपने धर्म के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, उनको समाज को केवल जागृत ही नहीं करते, इनसे संस्कार देने का भी काम होता है और समाज सत्संग से जुड़ा रहता है। तो इसकी सुविधा बहुत है, ये विज्ञान की सबसे सुंदर देन है। पर इसकी उपयोगिता जब हमारे नौ युवक पीढ़ी के हाथ लगते हैं और उन्हें अपना गोल पता नहीं होता और वो थोड़े सी खुशी के लिए इसको गलत यूज भी करते हैं और इससे लोगों का नुकसान भी होता है, पर जब यही सोशल मीडिया साधुओं के हाथ लगती है तो संस्कार देने का काम करती है, समाज में जन जागृति का काम करती है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ट्रांजिट कैंप के शिवनगर वार्ड नंबर 8 में रहने वाले मोहन लाल की पत्नी प्रभा द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई। मोहन लाल के द्वारा पत्नी की मौत की सूचना थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जाँच पड़ताल को शुरू कर दिया। शाम को करीब 7:30 बजे मोहन लाल द्वारा थाना ट्रांजिट कैंप में आके बताया गया कि उनकी पत्नी है जो प्रभा, उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, ऐसा उनका कहना था। इस सूचना पर सभी पुलिस के थाना जो प्रभारी हैं, थाने के बाकी कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे, उसके मैं भी यहाँ पर आई। फिर हमने यहाँ के तहसीलदार जो हैं रुद्रपुर के, उनके समक्ष उनकी प्रेजेंस में बाकी पूरी कार्रवाई की और जितने भी आगे का प्रोसेस है वो हम फॉलो अप लेंगे। अभी जो हमें अभी सामने हमारे आया है कि ये इनकी शादी पिछले साल फरवरी के महीने में हुई थी, अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, अभी हम लोग बाकी सबसे पूछताछ कर रहे हैं, सूचना जुटा रहे हैं, जैसा भी होगा आगे बताएंगे। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।